हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ वैलेंटाइन डे स्पेशल चॉकलेट बाउल केक। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास मेल्टेड डार्क चॉकलेट है। अब इस चॉकलेट को हम इस बाउल में डालेंगे और इसे कोट कर लेंगे। आप चाहें तो कोई मोल्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट आज मैं बिना मोल्ड के चॉकलेट बाउल बनाऊंगी। तो मैंने पूरे बाउल को चॉकलेट से फिल कर लिया है। अब इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए फ्रीजर में रखेंगे सेट होने के लिए। यहाँ मेरे पास 4 पैकेट ओरियो बिस्किट हैं, यानी टोटल 20 बिस्किट हैं मेरे पास। इससे हम अपना केक बनाएंगे। अब एक मिक्सर जार में हम इन बिस्किट्स को ग्राइंड कर लेंगे। सारे बिस्किट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें हम 1/2 कप गुनगुना दूध डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालते जाएंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मिक्स हो गया है। अब लास्ट में इसमें हम 1/2 टीस्पून इनो डालेंगे। आप इनो की जगह बेकिंग पाउडर भी यूज कर सकते हैं। बहुत हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमारा बैटर फ्लफी हो गया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे। 5 मिनट बाद मैंने इसे माइक्रोवेव में से निकाल लिया था, केक को ठंडा कर लिया था। अब इसे हम प्लेट पर निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारा केक परफेक्टली बेक हुआ है। अब इसे एक कटोरी की हेल्प से मैं सेंटर से काट रही हूँ। आप अपने चॉकलेट बाउल के हिसाब से केक को शेप दे सकते हैं। अब इसकी साइड्स को हम काट देंगे। तो देखिए, मैंने सेंटर से काट लिया है। अब इसकी साइड्स को हम अलग कर देंगे। अब मैंने एक बाउल में 1/4 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। इसे विस्क कर लेंगे। इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक ये लाइट और फ्लफी ना हो जाए। तो देखिए, हमारी क्रीम फ्लफी हो गई है। अब इसे हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे। मैंने इस क्रीम को पाइपिंग बैग में भर लिया है। अब बाउल को मैंने फ्रीजर में से निकाल लिया था। अब इसे हम एक प्लेटर पर निकाल लेंगे। तो देखिए, कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है हमारा बाउल। अब इस चॉकलेट बाउल में हम सबसे पहले क्रीम लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम केक रखेंगे। अब केक के ऊपर फिर से क्रीम लगाएंगे। अब इसे हम इवन कर लेंगे। मैंने क्रीम को इवन कर लिया है। अब इसे हम डेकोरेट करेंगे कुछ फ्रेश रोजेस के साथ। आप चाहें तो पूरे केक के ऊपर रोजेस लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ 1/2 साइड पर रोजेस लगाऊंगी और 1/2 साइड पर मैं कुछ एडिबल पर्ल से डेकोरेट करूंगी। इसके साइड्स पर हम पर्ल्स लगा देंगे। कुछ पर्ल्स हम रोजेस के ऊपर लगाएंगे। तो हमारा चॉकलेट बाउल केक रेडी है।
आप इसे ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।